तो मेरा नाम समीर माक है और मैं इसरार अंकल को 2 साल से जानता हूँ। और इनके जो बेटे फैज़ भाई वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और हम जब मिले तो ये सॉन्ग का प्रोजेक्ट आया मेरे पास और गाना करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक इनका नेचर बहुत अच्छा है, लाइक ये मेरे अंकल जैसे ही है। और मज़ा आया, और आयशा के साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत डाउन टू अर्थ है और इंशाल्लाह आगे भी आगे काम करता रहूँगा मैं। सर भाई कहाँ शूट हुआ ये, और ये बताइए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेम कहानी है, क्या है सर? ये गाना हमने शूट किया है लखनऊ में, नवाबों की नगरी में। ये गाने की डिमांड थी, एक खूबसूरत शहर चाहिए था। उसमें हमारे जब गाना रिकॉर्ड किया था तो मेरे दिमाग में था इसको हम लखनऊ ही शूट करेंगे। इसमें कहानी ये, एक लड़का है वन साइडेड प्यार करता है, उसको पता लगता है लड़की शहर में आई है कहीं से पढ़ाई करके वापस घर, तो भाग के उससे मिलने जाता है। तो वहाँ जाता है उसको उसकी शादी का कार्ड मिल जाता है, तो उसको वही सब उसका मतलब हार्ट होता है और पूरा वही चलता रहता है। उसका शहर में मुलाकात ना हुई, जो बात दास्ती थी वो बात ना हुई। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। जी ये सॉन्ग लिखा है मैंने, और ये तो एल्बम के लिए था तो उस हिसाब से लिखा है। और गाना हमने लिखा है तो नेचुरली हमें अपना गाना अच्छा ही लगेगा। और माशाल्लाह शूट भी अच्छा हुआ है और बहुत खूबसूरत लगे हैं समीर मार्क और आयशा, और बाकी सब आपने देखा ही है। भाई आयशा को इनविटेशन दे दिया था, सब दे दिया था, और केस मैंने आपकी अभी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना दी अंकल करे, नो प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं कि अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग में तो मीडिया के सामने भी सुना सकता हूँ। अब उसके बावजूद भी मैं उसको पिछले 4-5 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही मेरा। पता नहीं, मैं तो उसे अभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई इतना प्यारे रिलेशन है, बच्ची है हमारे घर की, अंकल बोलती है, मैं बेटा बोलता हूँ। पहले भी मैंने गाना उसके साथ किया जो आज अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन किया, मेरा मोहब्बत के काबिल सलमान अली जो होते हैं उसमें, उसके साथ मैंने कश्मीर में किया था। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, अच्छा नेचर है, एक्ट्रेस ज़बरदस्त है। बट हो सकता है बिग बॉस से आने के बाद थोड़ा काम ज़्यादा हो गया और तो पुराने लोगों की कदर कम हो जाती है, बड़ा काम मिलता है, लोग छोटे कामों को इग्नोर करते हैं। बट मेरी तो उससे रिक्वेस्ट है आयशा से, भाई जो रिलेशन बने वो मेंटेन रखे। मतलब मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आयशा को, मैंने कोई गलत नहीं किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पूरे पैसे दिए, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, हर चीज़ राइटिंग में है। मैं झगड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अभी भी मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ। अगर शायद ये मेरी आवाज़ उस तक पहुँच जाए तो रियलाइज़ करे। कल तक परसों तक मेरी बात हुई, नो अंकल नो प्रॉब्लम। अब एजेंसी जो बीच में आए, सो कॉल्ड जो आजकल के कॉर्पोरेट वगैरह हैं, उनसे हमें क्या लेना देना? हमने आपके साथ काम किया है, आपको पैसे दिए, आपने साइन किया है, और मेरा मेकिंग दिखाने का मकसद यही था कि हमने मेहनत की है, धूप में 40 टेम्परेचर में शूटिंग की है, यहाँ से लखनऊ लाना ले जाना, खर्चा होता है, मेरा भी करियर का नाम जुड़ा है। अगर आज अच्छी पोजिशन पर आप अल्लाह ने आपको पहुँचाया है तो ये भी आपका एक बच्चा है भाई, आपने उसकी फीस ली है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। अल्लाह करे, भगवान करे, मालिक करे, माता रानी करे, आप बहुत ऊपर जाओ सेंटर। लेकिन बट किसी की मतलब किसी को हर्ट मत करो। नहीं दे रहे आपको तकलीफ हुई है, और रिपोर्ट भी आप सुना रहे हैं, अगर वो नहीं आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, क्या कोई एक्शन भी लेंगे? वो मैंने तैयारी कर ली है, अभी 5 मिनट के अंदर जस्ट आई कॉल माई लॉयर, हाई कोर्ट के बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत नामचीन लॉयर हैं, और बुला लिया मैंने, ऑन द वे है, तो शायद मैं भी अनाउंस कर दूँ कल, मैं शायद एक्शन लीगल और सिविल दोनों ले लूँगा। तो गाना कल रिलीज होगा? गाना रिलीज होगा, लेकिन ऐसा एक्शन लूंगा ताकि इस टाइप के लोग किसी और के साथ ना करें। हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, आई पेड हिम, पूरा मेरे पास वाइट में पैसा दिया है, एग्रीमेंट साइन है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, कन्वर्सेशन है, चाहिए मैं सब मीडिया को दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट देखना चाहें वो भी मंगा के दिखा सकता हूँ, जो मैंने उसको ऑफिशियली 4 दिन पहले लेटर भेजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो भी मैं लेकर आया हूँ, वो भी दिखा सकता हूँ। बस वो बस यही है कि आज वो 30-30 का गाना कर रही, खाली बोतल वो बोतल भर रही उनकी, हम आज ही बोतल खा, कुछ नाराजगी नहीं सर। लेकिन ये जानना था कि उसने पहले काम उनके साथ किया था तो जी, क्या वो इसी तरह से प्रोफेशनल थी या अनप्रोफेशनल? प्रोफेशनल थी, तो कह सकते हैं फेम आने के बाद अनप्रोफेशनल। प्रोफेशनल थी, वो पैसे के मामले में शी वाज वेरी मारवाड़ी। हमने उसके अध्यक्ष से बोला आशा 2 घंटे काम और कर ले, 2-4 शॉट समीर के साथ ले लेते लखनऊ के, अंकल मैं इतना लूंगी, हमने चल पैकअप भाई जो दिया था बस हमारा काम हो गया। सर देखो आज करियर मुझे भी 40 इयर्स हो गए इस लाइन में, 83 नवंबर में बॉम्बे आया था,
बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। 17-18 खुद की फिल्में बनाई है, नवाजुद्दीन, धर्म जी, शत्रु जी, कौन सा ऐसा पुराना एक्टर नहीं, कादर भाई मेरे गुरु रहे, सब पूरी इंडस्ट्री को बताए, रजा भाई, शक्ति, ये सब बेचारे एक फोन पे हमारे कभी लोग ना नहीं बोलते, लेकिन जो पुराने लोगों में एक इंसानियत थी वो आज के दौर में नहीं। पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती थी सर, महीनों काम चलता था, मुश्किल तरह लोग काम करते थे, आजकल बरिश्ता पे बैठ के लैपटॉप लेके सिगरेट लेके लड़के लड़के स्क्रिप्ट लिखी जाती, इसी तरह फिल्में आती इधर से उधर चली जाती थी। इसमें अगर हीरो की बात करें, इनको कितना बुरा लग रहा है? नहीं नहीं बेचारे बहुत अच्छे इंसान है, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। लाइक मैंने अपना काम किया, काम का जो मुझे पोस्ट करना था मैंने अपना किया, बिकॉज ये मेरा गाना है तो मैं खुद प्रमोट करूंगा ही। और आयशा का क्या सीन है मुझे कुछ नहीं पता, लाइक मुझे लेना देना सरकार अंकल से नहीं, आयशा से मेरी भी कोई दुश्मनी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट गलत है, ये गलत है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गाना आपका रिलीज होने वाला है, गाने को प्रमोशन को लेकर जैसे उनका इंस्टाग्राम में काम पोस्ट भी किया कि नहीं किया? नहीं नहीं कर रही सर, अभी तक करूंगी, वो उसका मैनेजर कोई है कुछ सर्वेस करके विल डू, उसने मैसेज दिया आई डू माई बेस्ट बाय योर 25th। तो मैं ये समझ सकता हूँ जैसे आपने बोला है कि वो मारवाड़ी नेचर की है तो पैसे की डिमांड हो रही है कि? सर आयशा का मैसेज सुन लीजिए आप, मैं आयशा का मैसेज सुना देता हूँ जो उसने मुझे एक मिनट आयशा का मैसेज सुन लीजिए, हो सकता है शायद मैं गलत भी कर रहा हूँ, बट नहीं यू नो रहा हूँ। और आप गाना रिलीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी टीम से बात करिए, टीम को भी मैंने सब कुछ भेज दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं। क्या बोल ऐसा अक्सर होता है फिल्मों से सीन काट दिए, फिल्म का सीन निकाल दो बड़ी फिल्म का व्यू, ये चीज नहीं देख रहा भाई, लेकिन एथिक तो कुछ होती है, इंसानियत तो कुछ होती है। आपने पैसे लिए हैं सर, आप काम के ऊपर अगर प्रोफेशनल हो तो आप प्रोफेशनलिज्म को जिंदा रखो ना, आपने पैसे लिए, हमने मेहनत की है, लाखों रुपया लगाया है, मैंने किसी कंपनी को दिया है, प्रमोट होगा तो हमारा भी करियर लगा ना सर। सर मैडम सर मेरे पास राइटिंग में है मैडम, एक मिनट नहीं पर दिखा दो, एग्रीमेंट भी दिखा देता हूँ उसको, उसकी एजेंसी बोलती है एग्रीमेंट भेज दो, व्हाई शुड आई सेंड यू एग्रीमेंट, आयशा को भेजूंगा ना सर। ये सर ये आयशा की साइन है, इसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, कोई बात नहीं, देखिए इन्होंने लिख के दिया है मुझे, ऑल सोशल मीडिया डिलीवरेबल्स ऑन द एक्टर्स प्राइमरी सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टा फेसबुक ट्विटर यूट्यूब, ऑल द पोस्ट रिलेटिंग टू द लॉन्च ऑफ द सॉन्ग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू फर्स्ट लुक लॉन्च मोशन पोस्टर टीजर एंड सॉन्ग आउट नाउ, ऑल्सो एनी प्रमोशनल एक्टिविटीज बींग रन फॉर द प्रमोशन ऑफ द सॉन्ग, मैंडेटरी स्टोरी विल स्वाइप अप लिंक्स आफ्टर द सॉन्ग इज आउट, एट लीस्ट टू लाइव सेशन फॉर प्रमोटिंग द सॉन्ग आई फर्स्ट पीरियड रिलीज द अदर पोस्ट लॉन्च ऑफ द सॉन्ग, एट लीस्ट ए मिनिमम ऑफ 10 इंस्टाग्राम वीडियो रील्स फॉर प्रमोटिंग द सॉन्ग, आई डू हेयर बाई एग्री एंड कन्फर्म द अबाउ आयशा खान। जवाब नहीं दिए ना बस, आई ट्राई माय बेस्ट, या तो हमने आपको इनविटेशन दिया आपको भाई मेरे बेटे की शादी में आना है, या तो आप बोलोगे सर भाई नहीं आ सकती हूँ सॉरी मेरे घर में काम है या तबीयत ठीक नहीं है मैं बिजी हूँ, या मैं आ रही हूँ, जवाब तो दोगे आप, अब जवाब नहीं दे रही तो वो डिफॉल्टर है, हमारे लिए अच्छा है ये, मेरे लिए अच्छा। क्या स्टेप लेगी फिल्म म्यूजिक की यूनियन है, वो क्या स्टेप लेगी? यूनियन नहीं लेगी सर, कोर्ट लेगी, कोर्ट लेगी, 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है, ये साइन किया हुआ है, पैसे लिए उनको लिख के दिया हुआ है, आई रिसीव फुल एंड फाइनल अमाउंट, माल आने का दावा भी मैं बात करी, मैं पैसे ये रिकवरी का भी डालूंगा, कितना बनता है वो तो वकील बताएंगे, आपका पैसा, अरे सर जाने दीजिए,
सबसे बड़ी मेरा जो प्रमोशन होता है तो मेरा करियर लगा हुआ है, वो तो करोड़ों में उसकी कोई कीमत नहीं होती आदमी इस सब की। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मैडम, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। फर्दर मोर आई हैव रिसीव माई प्रोफेशनल फीस एस एम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर दिस हिंदी एल्बम सॉन्ग वीडियो शूट एंड नो क्लेम और ड्यूज और पेंडिंग विद कंपनी। ये आयशा खान, ये आयशा खान। अब इसके बाद भी अगर आदमी लिखने के बाद भी अगर कॉपरेट नहीं करा तो आदमी क्या करेगा? हम कहे कि रिलेशन मेंटेन करें। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आयशा से, कल गाना रिलीज हो रहा भाई, कल से पोस्टिंग कर दे, रिलीज के बाद हम परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, फिर आ जा मैं खर्चा कर लूंगा। ये तो नहीं है मैं, हो सकता भाई वो बिग बॉस में वाइट कार्ड से एंट्री नहीं है। मैं तो बिग बॉस देखता ही नहीं था, घर वाले देखते थे, मैं तो आज तक नहीं देखा। सुना ऐसा बिग बॉस सर ऐसा कुछ नहीं, दो महीने पहले भी गाना आया तो 2-3 मिलियन से ऊपर नहीं गया, मुस्कान करके गाना आया सो कॉल्ड, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट पंडा बन गया, बट पंडा नहीं सर, ये तो मतलब ठीक है हमें जो करना हो हम करेंगे, बट करना चाहिए सर हमारे। लेना सर प्रूफ करे ना, प्रूफ करे ना, कागज बोलते हैं सर, कागज बोलते हैं हर चीज, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस है मेरे पास, हमने क्या गलत किया है, सारी मेकिंग आपके सामने है, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं, रिटर्न टिकट मेरे पास है जो हमने उसको प्रोवाइड किया, बोर्डिंग कार्ड मेरे पास है सर, वो प्राइस सॉरी नहीं सर बिल्कुल नहीं, वो हम कोर्ट में बताएंगे ना, पेपर लगाएंगे ना कोर्ट में। नहीं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसने प्रमोशन में भी डिस किया मुझे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्रोफेशनली अगर आप बात कर रही मैडम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यू हैव साइन द एग्रीमेंट, ये आपकी साइन है, आप चैलेंज करना तो कोर्ट में करो ना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट चेक करेगा ना कि हमने की है उसने की है, उसका वो सर्वेस करके बोलता है कि एग्रीमेंट मिल नहीं रहा है, तो मुझे लिख के भेजो, आई लॉस्ट माय एग्रीमेंट, देन आई सेंड यू कॉपी, मैं क्यों पहले एग्रीमेंट भेजूं? ये आपने ईमेल पे भेजी होगी राइट? उनका मेल कुछ नहीं है मेरे पास, उनके उनके दो नंबर मेरे पास है, उनका घर का एड्रेस है। आपने ईमेल किसी से भी भेजा था? नहीं हमने सब, नहीं हमने सब उनके व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, रीड है उनकी तरफ से, वो भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, वो सब टेक्निकली सब स्ट्रांग है। नहीं होगा तो कोर्ट का संबंध जाएगा तो बुलाइए, अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस वाले बुलाएंगे, बट ठीक है अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद आ जाए फोन उठा ले, ले फोन लगा रहा हूँ मैडम। ये देखिए आयशा खान का ही पर्सनल नंबर है जो शायद किसी के पास, बहुत रेयर लोगों के पास है, ये देखिए नहीं उठा रही है तो मैं क्या करूँ बताइए, ये देखिए फोन लगा रहा हूँ, पूरी पूरी बेल बज रही है, आयशा मेल लिखा हुआ है, ये देखिए आइए वकील साहब। सर अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने मेकिंग देखी बहुत शानदार मेकिंग है, बहुत मेहनत की है सर, मेहनत दिख रही है उसके अंदर, गाना बहुत अच्छा सर, फ्लाइट भी दिखती नहीं थी मैं ट्रेन से गया था, वकील यहाँ आए हैं क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे के अंदर यहाँ FIR दर्ज हो जाएगा? सर आइए वकील साहब, और सर गाना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वाकई में कल रिलीज हो रहा है 4 बजे आप लोग देखिएगा जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है। DRJ रिकॉर्ड इंडीज प्लीज जरूर देखिएगा। गाने के बारे में क्या बोले, इससे पहले भी गाने दिखे गाने, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है और लखनऊ पे शूट हुआ है, स्पेशल हम वहीं के रहने वाले हैं और बहुत इतनी गर्मी थी, 40 टेम्परेचर के अबव था और उसमें हम लोग ने बहुत मेहनत करी है, अभी भी कुछ दिन पहले फोन आया हमको भी पूछा और बोला आप करिए कोई टेंशन नहीं है, अभी ये अचानक क्या हुआ हमें भी समझ नहीं आ रहा, कितना हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, उसकी फैमिली ये बोलती थी आप ये आपकी शूटिंग पे भेजते हमको कोई टेंशन नहीं होता है, अगर आप इसरार के उसमें जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब उनका कोई घर से कॉल नहीं आता, तो जब इतनी बड़ी बात को कहने के बाद ऐसा हो रहा है तो ट्रस्ट भी कोई चीज होती है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं घर की कुछ की दाल बराबर, बस 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 वही ले रही है आजकल, आजकल डाल दो बस, लेकिन बट हमें हर्ट हुआ
सर फाइनली वकील साहब आप मैंने अभी इनको फोन करके आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरी स्टोरी ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, प्रमोशन की बात हुई थी एक्सप्रेस के साथ, एक्सप्रेस जो है प्रमोशन नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पर नहीं कर रही है और आज भी नहीं आया सर। क्या कुछ हो सकता है जरा आप बता सकते हैं? 6 अप्रैल 2022 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन जो उचित कार्रवाई करनी है क्रिमिनल एंड सिविल दोनों उनसे की जाएगी। नहीं, ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात नहीं है, ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। और क्या है, जब बहुत कम टाइम में फेम आ जाती है, जो रिकग्नाइज्ड हो नहीं हो, हाउ मच यू आर डिजायरिंग इट एंड डिजर्विंग इट, ये उसका मैटर है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट शी इज रेनिगेटिंग ऑन हर कॉन्ट्रैक्ट, सो वी विल टेक हर लॉफुली, जो तरीका है उसको। मैं बाकी दूसरी कमेंट्स नहीं थी। सर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वकील के जरिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर है इनके पैसे लेके और इस वक्त मानसिक सू फॉर डैमेजेस यही जो है इनके कैलकुलेशन, इनकी ऑडिट रिपोर्ट, और जो आज जितना नुकसान हो रहा है और जो इससे पहले हुआ मेकिंग ऑफ द म्यूजिक वीडियो में, बाद में रिलीज के बाद जो इनके एक्सपेक्टेशंस थे, वो सबको कैलकुलेट करके वी आर गोना सू हर फॉर दोस डैमेजेस। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट वी आर गोना सू हर फॉर दोस डैमेजेस। शी वॉज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टूडे टिल 12 AM टूडे, शी स्टिल हैज टाइम टू रिस्पॉन्ड। द डिलीवरेबल्स वर वेरी लेस, आई विल नॉट गो इन टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉट आर द डिलीवरेबल्स एंड ऑल दैट, but those were very less and she should have come for it. Abhi she is the best person to reply why she has also put it on her team. So the blame vicarious liability unki team pe bhi ab aa gayi hai, jo unka celeb management kar rahe hai, unki media team hai ya jo bhi wo keh rahe hai, we will also take them to task. But sir abhi bhi aap kitna waqt de rahe ho, kyunki yahan press conference to shuru nahi, aaj se madam aaj se waqt khatam, आज 12 बजे तक वक्त था, वही कह रहा हूँ, रात को 12 बजे तक वक्त था। इनफैक्ट यस, इनफैक्ट शी कैन ऑल्सो इवन नाउ कॉल से, उनकी कोई अगर जेन्युइन रीजंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो कह सकती है कि भाई आप वापस से कीजिए, मैं आई विल कम, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, आप एक और ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं आती हूँ। दैट शुड बी हर कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट स्पीक्स दिस वे। अब उनको वो भी तो टाइम देना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा लगेगा कि भाई हम पब्लिसिटी के लिए आयशा खान को खींच रहे, वैसा वाला नहीं। इनफैक्ट आयशा खानम, नॉट आयशा खान, आयशा खानम उर्फ आयशा खान। मैम लॉस हैज ऑलरेडी अकर्ड, डैमेजेस हैव अकर्ड, दिस जेंटलमैन हैज पेड द लॉस राइट नाउ व्हेन वी आर सिटिंग ओवर हियर, ही इज ऑलरेडी ऑन हिज लॉस, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट मूविंग अहेड विद इट। व्हाटएवर इज टू बी डन इन अ लीगल मैनर इट हैज टू बी डन एंड वी विल गो अहेड विद इट। सर, she's saying कि आप लोग रिलीज करिए गाना, उनको पब्लिसिटी भी चाहिए और उनको अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो भी फॉलो नहीं करना है। मीन्स मैंने आपसे भी कहा ना, डिजर्व एंड डिजायर का पैरामीटर हो गया आफ्टर डूइंग, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स है ना। फिर आप गलत बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट है, उसने लिख के दिया मैं सोशल मीडिया पे प्रमोशन करूंगी, इंस्टा पे रील बनाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो आऊंगी, तो वो तो बोल रही आप गाना रिलीज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आ जाओ भाई, मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने इन्विटेशन भेजा, मैनेजर बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट, या तो मना कर दो सॉरी, तो आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। वकील साहब जानना चाहिए कितनी धाराएं हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है, जेल हो सकती है या सर? नहीं, इतना एक्सट्रीम जेल तक के तो नहीं जाएंगे हम। हाँ हम जो है पहले नहीं, हम चाह रहे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो है एमिकेबली बैठ के सेटल हो सके। हम नहीं चाह रहे कि हम कोई उनको भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो या हमारी वीडियो पे भी अफेक्ट हो। नहीं हो तो सर फिर जो लीगल है, सिविल एंड क्रिमिनल, मैंने आपसे कहा क्रिमिनल भी दिया जाएगा और सिविल के अंदर जो है सिविल। हाँ जी सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो जो है वो सिविल रहेगा, उसके बाद हम उनको सू फॉर डैमेजेस करेंगे, और क्रिमिनल के अंदर जो है मैं अभी तो कोई आपको स्टैंड नहीं देना चाहूंगा जब तक मैं खुद इसके ऊपर आगे उनका नेक्स्ट मूव ना देख लूं। मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी 12 बजे तक शी स्टिल हैज, हम अगर कोई बात अभी कहे तो दैट विल गो अगेंस्ट अस। मेकर से भी जानना चाहूंगा सर, पैसे लगे हैं, समय लगा है, मानसिक प्रताड़ना जो आपको मिल रही है इस वक्त, आप क्या चाहते हैं? सर मैं अभी भी आयशा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू कल से दो चार रील डाल दे, स्टोरी डाल दे, और गाने के लिए दो बाइट बोल दे, खत्म बात।
हमें अभी भी झगड़ा नहीं करना है, बट अगर वो टोटल बेवकूफ समझे कि अभी हम बड़ा स्टेशन देख के बम्बई उतर गए पहली बार गांव से आए हीरो बनने, तो वो हम नहीं, वो हम नहीं। आज भी इस तरह पे उसकी रील देखे जाके उसके उसमें आईडी पे जाके वो एड डाल गेमिंग की डालती है, वो कोई बेहता करके कोई इससे पैसा कमाओ 15,000 कमा सकते हो शाम को डाल, वो डाल सकती है फालतू फालतू अपनी रीलें डाल सकती है। तो हमारे जिसपे उसने काम किया जिसके पैसे लिए उसका एक पोस्ट नहीं कर सकती पोस्टर का उस गाने का, आप खुद बताइए अपने दिल से ये सही है गलत है। दूसरे फालतू फालतू डाल रही है वो उसके साथ कोई स्टार है नीचे शॉर्ट बना बना के डाल रही है ये डाल रही है, इसका तूने पैसा लिया है तूने मेहनत की है हम लोग ने मेहनत की है तूने लिख के दिया है उसका एक पोस्ट नहीं डाल सकती कि तेरा गाना आ रहा है। तो अभी तूने 30 का गाना कर लिया ये कर लिया 100 की फिल्में कर ली तो हम लोग बेवकूफ बैठे, तो ठीक है भाई बेवकूफ नहीं है ओके अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे आप अच्छी रहो। आपको ऐसा सबक देना चाहूंगा कि दूसरों के साथ ना जो कि इससे पहले मोहब्बत के काबिल इन्होंने किया है एटलीस्ट 15 मिलियन के करीब है। जिस टाइम समीर के साथ तो उसको कोई जानता नहीं था, लखनऊ में शूटिंग करते लोग समीर की सेल्फी लेते थे लड़के लड़के, अरे समीर हाउ आर यू अरे यू आर हियर आई डोंट बिलीव सड़कों पे, इसके लिए इन्फ्लुएंसर इज बिग इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम समीर मार, तो आयशा को कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे, तब भी हमने उसको काम दिया। मैंने सलमान अली के साथ उसको हीरोइन बनाया, अमीन अरब के साथ बनाया, शूट करके आया मोहब्बत के काबिल, आई वॉज डायरेक्टर मैं उसको लेके गया 50 मिलियन अप्रोक्सीमेटली पहुंचा है उस टाइम 8,000-9,000 उसके फॉलोवर थे, उसके बाद इतने बढ़े तो उसको तो और मेरा ठीक है। अब बिग बॉस जाके वाइट कार्ड में मुनफर फैमिली फ्राई करके आई डोंट नो बिग बॉस देखा नहीं लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं इसके बारे में उसको भी क्या क्या उसकी बुराइयां करते हैं, बट हमें कोई मतलब नहीं सर हमारे लिए अच्छी है हमारे घर की बच्ची बेटे बेटे इतना माना है वो मेंटेन करो, वो उसने नहीं किया तो नहीं किया बस गुस्सा इसी बात की। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी कुछ वैल्यू देता हूँ कुछ वैल्यू मिला उसका उसका सेक्रेटरी कौन है पता बोलता है कॉन्ट्रैक्ट खो गया तो खो गया मैं कॉपी नहीं दूंगा अब मैं दूंगा तो कोर्ट में दूंगा मैं अपना हक मांगूंगा अपने डैमेजेस मांगूंगा। हमें जो मेंटली हमें टॉर्चर हुआ है जो हमारा करियर हमारा भी लगा हुआ है आज वो उसका नाम है थोड़ा बहुत प्रमोट करती है गाना थोड़ा बहुत चलता समीर का नाम है आज समीर रोज एक रील डालना सब कर रहा है तो आप क्यों नहीं डाल रही मैं थोड़ी आपसे पैसे मांग रहा हूँ या आपसे कुछ अलग कुछ डिमांड कर रहे हैं जो तुम्हारा हक बनता है जो हमारा हक बनता है उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने 4 बार फोन लगाए एटलीस्ट फोन उठा कर तो बात तो करे कि अंकल सॉरी मैं बिजी हूँ या कॉल बैक करूंगी सब कुछ। अभी पता लगा कि इस में किसी ने बोला शायद आई डोंट नो कि किस में बैठे इंटरव्यू दे मैं बोला शायद वहां से निकल के आ गया। मैं समीर से जाना चाहता हूँ पूरा वाक्य आपके सामने हो रहा है सर की आपने बातें सुनी कॉन्ट्रैक्ट साइन प्रमोशन की हुई है क्या ये गलत है आर्टिस्ट गलत है लाइक अगर मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ लाइक मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है सच बता रहा हूँ मेरा एक रिलेशन है और मैं जो पोस्ट कर रहा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है बिकॉज सामने वाला आर्टिस्ट नहीं पोस्ट कर रहा है तो मेरे भी फॉलोअर्स पूछ रहे कि वो क्यों नहीं पोस्ट कर रही खाली तुम पोस्ट कर रहे हो तो एक ये भी लगता है कि मैं फेम के लिए शायद बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट इन्फ्लुएंसर हूँ इंडिया का जिसने इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड चालू किया तो मैं ही हूँ मुझे ये नहीं था कि फेम ये सब नहीं बस एक था कि रिलेशन अंकल का पैसा लगा मेहनत बिकॉज मुझे पता है कि पूरी रात मैंने नहीं सोया हूँ मैंने सुबह भी शूट किया हो जो मेरा आगे का शॉट जो था जबकि आयशा का वहाँ पे शूट नहीं था मेरा ही था तो मुझे पता है मेहनत लगती है इंसान का पूरा टाइम जाता है तो एक करना चाहिए एज ए आर्टिस्ट उसको पोस्ट करना चाहिए था। शायद उनकी शायद टीम ने मना की रहेगी ये भी नहीं बोल सकते कि उनकी पूरी गलती है शायद एक होती ना टीम लाइक मेरी भी टीम है अगर वो बोलती कि ये पोस्ट मत करो तो मुझे देखना पड़ता है हाँ पोस्ट नहीं करना है बट यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है। नहीं समीर यहाँ पे आप भी बोल सकते नहीं भाई क्यों नहीं करें हमने काम किया पैसे लिए उनके पास कोई मीडिया नहीं था या कोई उनका मैनेजर नहीं था फेम भी नहीं था तो एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल पर्सन के साथ इंडिविजुअल डिसीजन होगा किसी के ऊपर भी वो डाल नहीं सकती बट शी बाय हर ओन सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने वॉइस नोट में भेजा है जैसा कि मेरी टीम ने मुझे मना किया है सो वाइकरस लायबिलिटी वी विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द टीम आल्सो। आल्सो सर ये कब शूट हुआ है गाना और अब रिलीज हो रहा है तो इसके बारे में नहीं बीच में करना चाह रहे थे बिग बॉस में चली गई
तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, हम उसे बिग बॉस से पहले रिलीज करना चाह रहे थे, बिग बॉस से पहले शूट होता हम रिलीज करना चाह रहे थे बट इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपने सुना नहीं कि फोन में यूज नहीं करती हूँ, तो मैं किसको फोन करूँ, कहाँ ढूंढूं, ये तो नंबर आयशा ने नया अभी दिया मुझे 15 दिन पहले। नहीं मेरे जो मेल्स आते हैं लाइक मैनेजर रीड करता है फिर वो मुझे भेजता है और मैं पूरा रीड करने के बाद ही इसको डन करता हूँ, और ऐसा का केस क्या है मुझे नहीं मालूम कुछ। जी बहुत पेनफुल करते हैं, पेन होता है क्योंकि जब किसी से हम किसी को दिल से मोहब्बत करते हैं तो उससे ऐसी उम्मीदें नहीं करते हैं, जब ऐसी उम्मीदें होती हैं तो बहुत दिल टूटता है कि उसको इतना गाना पसंद था, वो खुद तारीफ करती थी आपने इतना अच्छा गाना लिखा, इसके एक एक वर्ड हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे दिल में लगते हैं, अब आज ऐसा करके नहीं कर रही है वो उसका क्या है वो समझ सकती है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा कि हमें भी मेरा भी हमने भी अभी गाने लिखे हैं तो मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा है कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे हमारे साथ जो ये काम कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, बहुत ठगा हुआ क्योंकि जब हमने फिर बोले जब मोहब्बत के काबिल किया इसका कहीं नाम नहीं था और इसको बहुत बड़ा गाना दिया था कि इसीलिए दिया था कि इसको मतलब हम लोग दिल से चाहते थे ये कहीं कुछ पहुंचे, अब बस आज जो किया है वो उसका अच्छा बुरा हुआ करने का काम कहीं ना कहीं हम तो सोचते हैं अच्छा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन किसी के साथ कुछ भी बुरा करिए तो वो टाइम लगता है लेकिन उसका भी अच्छा नहीं होता। हेलो के देवी खान अब्दुल बारी खान मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा एज ए आर्टिस्ट लाइक जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं सभी को बोलना चाहूँगा कभी भी जिंदगी में ना एहसान नहीं भूलना चाहिए। लाइक मैं बताऊँगा जब मेरा शूट हो रहा था तो लिटरली मैंने फैज़ भाई को बोला था जो इनके सन है उनको बोला था कि मेरे अपोजिट में आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को लो जिससे मुझे भी प्रॉफिट हो फायदा हो, लाइक हम लोग जब कोलैब रील करें तो एक फ़ायदा हो, बट इन्होंने न्यू कमर लिया था मुझे नहीं पता था आयशा खान कौन है बाकी और भी एक्ट्रेस है मुझे नहीं मालूम था, एज ए आर्टिस्ट बता रहा हूँ। नहीं नहीं तो मैं बोलना चाहूंगा कि जब लाइक आप कुछ नहीं होते हो तो जब आप पे कोई एहसान करता है तो उस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, लाइक मुझे स्टार्ट पे पता मुझे कौन सपोर्ट किया था क्या नहीं किया था तो मैं आज भी नहीं भूला हूँ, वो कभी नहीं भूलना चाहिए बिकॉज वक्त बहुत खराब है, लाइक बोलते ना वक्त के बस रहमो करम नहीं होता है, वो कब तुम्हें गिरा दे तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, तो हमेशा जो तुम्हारी हेल्प किया उसकी इज्जत करो और डाउन टू अर्थ रहो और जिंदगी में खुश रहो खुशियां बांटो और पॉजिटिव रहो। बिल्कुल नहीं हम लोग ने कुछ उसको सजा नहीं दे रहे हैं, हम तब भी उसको चाहते थे अभी चाहते और हमने बिल्कुल जो मोहब्बत में चीज है वो नफरत में नहीं है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे अगर उन्हें अपनी सेपरेट करनी है तो वो तो उससे बेटर है कि इनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती, और हमें कोई उससे नफरत नहीं कोई लड़ाई नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी एल्बम भी करे वो टॉप पे पहुंचे तो हमें खुशी होगी कि हमारे एल्बम से ओके, हम लोग हर एक के लिए अच्छा चाहते हैं अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं उसका, लेकिन बस हमारे साथ जो हम लोग ने भी इसकी हेल्प करी तो इस टाइम पे वो खड़ी है हमारे साथ। फाइनली मेरे साइड से एक लास्ट क्वेश्चन है डी आरजे और क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं उस बारे में एक बार हमारे चलो डी आरजे ये तो गाना डी आरजे के साथ रिलीज कर रहे हैं बड़ी कंपनी में इसलिए कर रहे हैं कि चलो गाना बड़े लेवल पे जाएगा, हमारा भी नाम इंस्पेक्टर जुड़ा हुआ है, हमारी प्रोडक्शन कंपनी है इसकी प्रोड्यूस किया है तो आज हमें 10 काम और बाहर के मिले कोई बात नहीं। आप क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं सर, कोई नया तो बहुत कुछ ला रहा है सर, एक कुछ नाम बताए कोई
नाम बताना चाहें। अभी मेरा 30 तारीख 1 तारीख को गाना आ रहा है मोहब्बत सलमान अली, उसके बाद 15 तारीख को एक गाना है मेरा खुदा हाफिज अल्तमस फरी जी, उसके बाद एक मेरा गाना है बीबी शब्बीर अहमद का म्यूजिक और लिरिक्स है जो दुबई शूट किया है, उसके बाद फिर मेरा है शुक्राना, पाइपलाइन में 11-12 गाने हर महीने 2 गाने आगे से काम कर लिए। बिग बॉस वाले को नहीं मनोज तिवारी भाई सर, बिग बॉस वाले तवके आर के खान भाई, सब अपने लोग हैं यार। लेकिन एक सवाल पूछते आपसे, बिग बॉस में जाके हर कोई हीरो नहीं बन जाता सर? मैं बिग बॉस देखते ही नहीं हूँ, देखते ही हो मेरे घर में भी देखते हो, बंद करो। आपका क्या कहना है, बिग बॉस में जाके आप बिखर जाते हैं बन जाते हैं क्या सर? कुछ चीजें मैं बोलूंगा शायद मीडिया के सामने बन जाएंगे, कितने दिन तक पर टाइमिंग पानी के बुलबुले होते हैं, 2-4-6 महीने के बाद खुश खत्म, फिर नया। आप बता दो बिग बॉस पिछले जो 7-8 सीजनों के नाम बता दो, 2-4-5 नाम छोड़ के, दो चार नाम बता दो, केहर के छोड़ दो, दौड़ी बिंदा छोड़ दो, मनोज तिवारी छोड़ दो, और शायद एक आध नाम बता दो, और बताओ और नाम याद है आपको? नहीं याद है ना, फिर